गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो सभी छात्र इसको देखें और इसके नोट्स बनाएं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि एक रैखिक समीकरण का घात कितनी है। तो रैखिक समीकरण की घात एक होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वन। युग्मक समीकरण निकाय है, तो हमको ये शर्त मालूम है कि व्यापक समीकरण के सूत्र क्या होते हैं, ए वन एक्स बी वन वाई इक्वल सी वन, ए टू एक्स बी टू वाई इक्वल टू सी टू। तो तीन शर्तें इसके साथ, यदि ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू, तो अगर तीनों बराबर हैं तो अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। दूसरा, यदि ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी टू, तो कोई हल नहीं। कोई हल नहीं होगा। तीसरा, यदि ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो हम यहां पर देखते हैं, अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेकंड नंबर का सॉल्यूशन है कि ए वन अपॉन ए टू, तो ए वन अपॉन ए टू इसका मान कितना हो जाएगा? दो बटे चार, एक बटे दो। बी वन अपॉन बी टू, तो बी वन कितना है? तीन, और बी टू छह, इसका मान भी एक बटे दो। और साथ ही सी वन अपॉन सी टू इक्वल टू पांच बटे नौ। तो यह आप देखेंगे कि इसमें तीसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन तो क्या हो जाएगा, आप देखते हैं कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू और नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी टू, तो क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? असंगत। तो ये वाला सही रहेगा, असंगत। तो इसका आंसर है ए। क्लियर? अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि के किस मान के लिए ये संपाती होगा। तो संपाती की शर्त क्या होती है? संपाती होंगे यदि ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू। तो हम देखते हैं ए वन अपॉन ए टू कितना है? वन अपॉन टू। बी वन कितना है? टू अपॉन के और सेवन अपॉन फोर्टीन। तो इसको हम देखते हैं कि टू अपॉन के इक्वल वन बाई टू, तो के इक्वल टू फोर, ये इसका आंसर है। तो सही आंसर कौन सा है? सी। तो इसका आंसर है आपका सी, के इक्वल टू फोर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक युग्मक का क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? कोई हल नहीं है। यदि इसमें यह वाली कंडीशन हो तो हमको कोई हल नहीं है, इसका ये सही आंसर है। क्लियर? ये हम अभी बता चुके नियम को। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए का मान जिसके लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल हो, तो हम नाइन्थ वाला देखेंगे। अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होती है? अद्वितीय हल के लिए शर्त है ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। ठीक है, तो यहां पर ए वन कितना? ए अपॉन सिक्स नॉट इक्वल टू बी कितना है? माइनस वन, और बी टू है माइनस टू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू आ जाएगा ए नॉट इक्वल टू थ्री। करेक्ट? तो इसका सही आंसर कौन सा है? बी। अब हम टेंथ क्वेश्चन देखते हैं कि ए का मान जिसके लिए समीकरण के अनगिनत हल हो, तो अनगिनत हल होने के लिए क्या मतलब कंडीशन है? हल हो, उसके लिए कंडीशन क्या है? ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू, ये कंडीशन है। अब इसमें आप ए वन का मान रख देंगे तो टेन अपॉन ट्वेंटी फाइव अपॉन टेन, और ये हो जाएगा फाइव अपॉन ये हो जाएगा आपका a माइनस फाइव अपॉन a। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस फाइव अपॉन a इक्वल टू वन बाय टू। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? टू a माइनस टेन इक्वल a, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। ये आंसर है। तो यहां पर ए इक्वल टू 10 कहां है? सही आंसर यह आंसर होगा। क्लियर? अब इसी प्रकार से अनगिनत हल के लिए जिस प्रकार 10th किया वैसे ही 11th करना है आपको। तो 11th में भी आप करके देखेंगे कि 1 अपॉन 5 इक्वल 2 अपॉन के, तो के इक्वल टू हो जाएगा 10। तो यहां पर k का मान कितना है? 10। ये इसका आंसर है। क्लियर? अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें। तो हम यहां देखते हैं, जैसे हमने उदाहरण के तौर पर हमने दो अंक वाली संख्या मान लेते हैं 36 है। ठीक है, तो 36 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 इंटू 10 प्लस 6। ठीक है, तो यहां पर 3 जो है आपका दहाई का अंक है और 6 जो है वो आपका इकाई का अंक है। क्लियर? इसी प्रकार यदि दहाई का अंक y हो और इकाई का अंक दहाई का अंक
अंक y तथा इकाई का अंक x हो तो क्या हो जाएगा? तो इस फॉर्मूले में हम दहाई के अंक पर, दहाई का अंक क्या y है, तो यहां हो जाएगा आपका tan y, यहां पर तीन के स्थान पर y रख देंगे, प्लस इकाई का अंक प्लस x, तो ये आपका दो अंकों की संख्या का व्यापक सूत्र हो गया। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? tan y प्लस x। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर 2x प्लस y इक्वल टू रूट एट और साथ ही दिया हुआ है 2x माइनस y इक्वल टू रूट एट, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ने पर y और y कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4x इक्वल टू टू रूट एट, तो टू रूट एट क्या हो जाएगा, 4 कॉमन निकल जाएगा, 4 रूट टू, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 रूट टू अपॉन 4 इक्वल टू रूट टू। तो हम यहां देखते हैं, हेंस समीकरण एक से इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से x का मान क्या रख देंगे, रूट टू प्लस y इक्वल टू रूट एट, रूट एट कितना होता है 2 रूट टू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 0। तो y इक्वल टू 0 कहां पर दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, करेक्ट, तो ये आपके आंसर हो गए। इसी प्रकार से ओके, थैंक यू।